दिखाया है कुछ सोल, थोड़ा सा ट्रैजिक एलिमिनेशन रहेगा बट जरूर। बट इस वक्त अगर हम दूसरी तरफ से WSB को इस बार उम्मीद की किरण बचा के रखने की पूरी कोशिश कर रहे रेडन, क्योंकि दूर से कवर फायर आया एंड इवेंचुअली गब्बर को फिनिश करके पॉट आर्मी को भी बाहर का रास्ता दिखाया। किसी तरीके से हाइड्रा के खिलाफ वो फाइट वो जीत पाए तो बेहतरीन रहेगा। और हाइड्रा की बात ही कर रहे हैं तो टीम टमिलास के एक खिलाड़ी को उन्होंने स्पॉट कर लिया, एक नहीं अनेक खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो रहे हैं। बट फॉक्स किसी तरीके से कमान इन्होंने भी संभाल रखी, स्प्रे बॉट का ये लाजवाब नॉक, एक और नॉक फॉलो अप आता हुआ सिंस के द्वारा। बट डुओरा बनेंगे इस टीम के हीरो, किसी तरीके से इन्हें अभी तक तो जीवित रखा है। बट टीम सीएस ये आ चुके हैं यहाँ पे आग में हाथ सेकने के लिए, थर्ड पार्टी करने के लिए, चाहेंगे कि हाइड्रा को किसी तरीके से वो भी इस गेम से बाहर करें। ये एक ऐसे जाबाज खिलाड़ी है ना, ऐसे बहुत सारे करतब करते हैं इवन व्हेन ही इज ऑल अलोन, चुपचाप रहते हैं एंड धमाका गेम के अंदर करते हैं। यही एक है जो पुकार को सबसे बेहतर बनाता है। बट अब जो बारी आ जाती है दो आखिरी खिलाड़ियों के ऊपर, स्पाई एंड शैडो, ये दोनों को सर्किल के अंदर पहुंचना पड़ेगा। व्हीकल ऐसा सच मुझे दिख नहीं रहा है, पैदल लिए जिम्मेदारी रहेगा कि हाइड्रा ऑफिशियल को रोकना है बट नहीं रोक पाएंगे। ज़ाइपेक्स को भी खत्म करके दिखाएंगे एंड पैराडॉक्स अकेले क्लोज टू 1v3 करेंगे हाइड्रा ऑफिशियल के साथ मिलके। हाइड्रा ऑफिशियल का ये बोलबाला मेडल ईस्पोर्ट्स का अंत जरूर से लेके आ सकते हैं कंप्लीट पुश करते हुए। सिंस एक तरफ से आएंगे, सामने खिलाड़ी मौजूद है, डीबीएस का फटका उनके ऊपर भी लग सकता है, प्रीकुक ग्रिड सामने गया था, पैराडॉक्स की एचपी घटी है, वेल्थ में है तो थोड़ा आई उसे ध्यान से खेलना पड़ेगा। एंड सिंस तैयार है, दो खिलाड़ी को एक ही गाड़ी में स्पॉट करेंगे। जिम जैम जॉर्ड उनके टॉप फ्रैगर को नॉक किया गया, वो शिफ्ट होने वाला है। बट दूसरी ओर से सिंस जाने के लिए मौका नहीं दे रहे, फ्यू हो जाए ग्रैंड फाइनल्स के लिए। एक फ्लैंकिंग पोजीशन पे खेल रहे थे, अब देखिए फिनिशेस भी कन्वर्ट करना टीम एनिग्मा के लिए, बट शॉट्स आए हैं, कनेक्शन मिला है। सिंस की एचपी थोड़ी सी जरूर घटी है बट ये नीड हल्का सा स्प्लैश डैमेज देने में सक्षम होगा। एंड स्प्लैश क्या पूरा नॉक ही मिलेगा डुओरा ओपी को इस वक्त, ये झटका लग सकता है एनिग्मा को। डबल ग्रेनेड फेंका उसके वजह से साहिल नॉक हो चुके हैं, कियोया एज वेल एज लेब्रॉन को कमान संभालना पड़ेगा। बट साहिल आउट इन द ओपन, फ्री फिनिश मिलता हुआ यहां पे हाइड्रा ऑफिशियल को। एंड गेम जी हाँ सबका बिगाड़ना चाहते हैं, कियोया को भी स्पॉट कर देंगे, नॉक एंड इंस्टेंट फिनिश आता हुआ डुओरा ओपी की तरफ से। बट ग्रेनेड अच्छा स्प्लैश कनेक्शन बट बहुत नजदीक आ चुके डुओरा ओपी, इंतजार करेंगे, स्विंग किया वहां पे पोजीशन दिख गया बट प्रेग और अपने आप को पैच करना पड़ेगा। लेब्रॉन द ओनली चांस ही हैज टू प्ले इज हील बैटल बट उनके पास सिर्फ एक फर्स्ट एड है, प्रेगॉर्ड को देख लेंगे आउट इन दी ओपन, दिस इज अ चांस, नॉक करेंगे अब ब्लाइंड कन्वर्ट अगर कर पाएंगे दिस इज द अपॉर्चुनिटी। हर्ष के पास 6 grenades था, लेब्रॉन प्ले जोन में ही खत्म होते हुए नजर आएंगे एंड डार्क लॉर्ड भी अपना 3 grenade के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सिन के नजदीक जाएगा ये ग्रेनेड, फटेगा एंड डैमेज भी देता हुआ नजर आएगा। बट इसी दौरान आप देखिए डुओरा ओपी स्प्रेगॉर्ड को वो अभी के लिए रिवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स अ गुड वन बट डार्क लॉर्ड वापस से जो है गेम घुमाते हुए नजर आ सकते हैं इस नेट के साथ। लीजिए एक और, एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट टू फ्री हम कह सकते हैं इस मोमेंट पे। 1v2 का सिलसिला डार्क लॉर्ड स्किप्स वर्सेस सेंस का ये सिलसिला बन चुका है बट ये क्लच करना मुश्किल हो सकता है। डीबीएस है उनके पास जरूर से हम कह सकते हैं, स्किप्स आगे आएंगे, पोजिशन पता नहीं है सेंस का किसी को भी। हाइड्रा का ये बने बनाया मैच खराब हो सकता है, शॉट किया गया डार्क लॉर्ड को, सबसे शॉट आना शुरू हो जाएगा सिंस के ऊपर, बट ही गेट्स वन मोर फर्स्ट इन उनके पास मौजूद है बट स्किप्स वो भी तैयार रहेंगे जरूर इस वक्त फाइट लेने के लिए। हर्ष तो फिलहाल के लिए फिनिशर्स कन्वर्ट कर रहे हैं बट वो फाइनल शॉट, हाइड्रा की बात करते हैं अपर ग्राउंड एडवांटेज फिलहाल उनके पास जरूर से मौजूद है एंड इट सीम्स लाइक रॉबिन पहला नॉक निकालेंगे हाइड्रा, सिंस को नॉकआउट जरूर से किया जाएगा एंड ये नीड थोड़ा सा पुश बैक कराने में भी हेल्प करेगा हाइड्रा के खिलाड़ियों को। और दो फिनिशर्स उनको अभी मिला है, प्रो को जरूर से गवाया है, स्पर्श का लोकेशन भी कुछ हद तक उनको पता चल जरूर जाएगा बट स्प्रे गॉड कोशिश करे कुछ भी करके अगर सिंस को रिवाइव किया जाए। स्पर्श के ऊपर जिम्मेदारी बनती है क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट मुझे लगता नहीं कि रॉबिन को पता चला है कि स्पर्श उनके बाजू में ही खड़े हैं। आप एडमिनो वापस यहां पे थोड़ा सा पुश करते हुए नजर आएंगे, दूसरे एंगल से थोड़ा क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे बट सामने यहां पे स्प्रे गॉड मौजूद है। इट्स इज अ डीपीएस बैटल, एक शॉट का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड इट्स इज रन बाय ज़ैप, एक नहीं बल्कि दो फिनिशेस यहां मिलेंगे एडमिनो के साथ साथ एक बेहतरीन जुगलबंदी हमें नजर आया है ओआर ईस्पोर्ट्स की तरफ से। लीव्स स्पर्श एंड डुओरा अकेले, डुओरा ने इससे पहले भी ऐसे क्लच करके दिखाया एंड इट सीम्स लाइक कि अब स्पर्श भी डाउन हो चुके हैं। डुओरा के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रॉबिन को नॉक करेंगे चाहते जाते और को एक झटका भी देना चाहते हैं पर डुओरा के लिए यहाँ पे फॉल बैक करना बेटर डिसीजन रहेगा क्योंकि पीछे हटने के अलावा और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, हाइट एडवांटेज नहीं है बट डुओरा इज फाइटिंग बैक बट रेकनिंग का